Hello everyone, my name is Sargun Singh. I hope all of you are doing fine. और आज हम हमारे Hornbill के third chapter, Discovering Tut, The Saga Continues को analyze करेंगे. इसके सारे important aspects पे नजर डालेंगे. साथ ही साथ हम इस chapter के सारे difficult phrases और words के meanings देखेंगे और इसे boat's point of view से prepare करेंगे. So, let's start the video with a smile. अभी स्टोरी डिस्कवरिंग टट द सागा कॉन्टिन्यूज एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखी गई है जहां पर एक टीम ऑफ रिसर्चर्स बहुत सारी स्ट्रगल्स फेस करती हैं जब वो अपने आर्कियोलॉजिकल वर्क को कैरी करती हैं। अब यहां पर हमें एक थीम देखने को मिलती है कि कैसे आर्कियोलॉजिकल मेथड्स में एडवांसमेंट हुआ टाइम के साथ और डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज इंटरवीन होती गई इस मेथड में. हम देखते हैं कि कैसे मॉडर्न इक्विपमेंट और सोफिस्टिकेशन की वजह से चीज़ें आसान हो गई पर जो प्रिवेलिंग मिथ्स थी उनसे फाइट करना अब भी उतना ही हार्ड है. यहाँ पर हमें एक प्रोसेस देखने को मिलेगा कि कैसे फॉरेंसिक रिस्टोरेशन से अब भी पता लगाया जा सकता है कि सालों मतलब बहुत हजारों सालों पहले किसकी डेथ किस रीजन से हुई थी. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. इस स्टोरी को A.R. विलियम्स ने लिखा है. अब ऑथर बताते हैं कि जो फेरो थे उनकी डेथ टीनेज में ही हो गई थी. वो लास्ट डिसेंडेंट थे अपनी पावरफुल इजिप्शियन फैमिली का जिन्होंने सेंचुरीज तक इजिप्ट को रूल किया. उनकी डेथ के बाद उन्हें बहुत सारे गोल्ड और सिल्वर के साथ अपनी टूम्ब में लेटा दिया गया. अब जब से उनकी 1922 में टूम्ब मिली है तब से बहुत सारे लोग उनकी डेथ को मिस्ट्री मानते हैं और इसमें सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी मर्डर को माना जाता है. अब उनकी टूम के डिस्कवरी के लगभग 80 इयर्स के बाद उनकी बॉडी का सीटी स्कैन लिया गया और फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन के बाद उनकी लाइफ और डेथ के बारे में काफी सारे क्लूज मिले. अब ऑथर डायरेक्टली उस सीन पे चले जाते हैं जब वो आर्कियोलॉजिस्ट अपनी टीम के साथ वहां पर उस टूम में काम कर रहे थे. वहां पर एंग्री विंड की वजह से घोस्टली डस्ट डेविल्स बन रहे थे जब किंग टट को अपनी रेस्टिंग प्लेस जिसका नाम था द वैली ऑफ किंग्स से बाहर निकाला गया. डार्क बेली क्लाउड्स पूरे दिन डेजर्ट स्काई में थे और अब हम देख सकते थे कि जो कैस्केड ग्रे था यानी कि जो बॉक्स था रेक्टेंगुलर जो बहुत पुराना था उसमें स्टार्स यानी कि ज्वेल्स लगे हुए थे. 5th जनवरी 2005 को लगभग शाम को 5 बजे उस वर्ल्ड के सबसे फेमस ममी को सीटी स्कैनर में डाला गया हेड फर्स्ट जो लगभग 3003 इयर्स पहले मर चुका था. सारी आफ्टरनून उस टूम में जो कि क्रैम्प्ड रॉक कट थी और 26 फीट डीप थी टूरिस्ट आते रहे पूरी दुनिया से और उस किंग को रिस्पेक्ट शो करते रहे. वो उन वॉल्स के म्यूरल्स को देखकर हैरान हो गए और उन्होंने उस मम्मी को देखा जिसका फेस एकदम श्रंकन था. कुछ लोग आपस में विस्पर्स में बात करते रहे गाइडबुक से पढ़कर और कुछ शायद ये सोच रहे थे कि इस किंग की इतनी अनटाइमली डेथ कैसे हुई. बाकी सबके मन में एक सवाल था कि क्या होगा अगर वो फेरोस कर्स सच हो गया. अब ये फेरोस कर्स था कि जो भी इस टूम को छेड़ेगा उस पे मिसफॉर्च्यून आएगा. बॉडी बहुत ही बुरी कंडीशन में है ऐसा जही हवास ने कहा शायद कार्टर की वजह से जो 1920s में यहाँ आए थे. जही हवास सेक्रेटरी जनरल थे इजिप्ट की सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिकिटीज के. हार्वर्ड कार्टर जिन्होंने 1922 में काफी साल लगाकर उस टूम को ढूंढा था. जो कंपोनेंट्स थे उस टूम के वो सरप्राइजिंगली कंप्लीट थे एंड इट इज द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड और ये पार्ट है फेरोस लेजेंड का. डिस्कवरी के टाइम गोल्ड के आर्टिफैक्ट्स ने जो कि ब्रिलियंट थे एक सेंसेशन कॉज कर दी थी. टट को एवरीडे थिंग्स के साथ यानी कि रोजमर्रा की चीजों के साथ बरी किया गया था आफ्टर लाइफ के एक्सपेक्टेशन में जिसमें कि बोर्ड गेम्स थे
ब्रॉन्ज रेजर था, लाइनन अंडरगार्मेंट्स थे और फूड और वाइन के केसेस थे। अब महीनों उन फ्यूनरी ट्रेजर्स को ढंग से रिकॉर्ड करने के बाद कार्टर ने टट का 3 नेस्टेड कॉफिन खोला। पहले कॉफिन में कार्टर को एक श्राउड के ऊपर गार्लैंड पड़ी हुई दिखी विलो और ऑलिव लीव्स की। वाइल्ड सेलरी, लोटस पेटल्स और कॉर्नफ्लावर्स दिखे, जो कि एक फेड एविडेंस है कि वो डेड बॉडी बरी की गई थी मार्च अप्रैल में। अब जब वो फाइनली मम्मी तक पहुंचा तो वो ट्रबल में फंस गया, क्योंकि जो रिचुअल रेजिंस थे उन्होंने उस मम्मी को गोल्ड कॉफिन से बुरी तरीके से चिपका दिया था, उसे हार्डन कर दिया था। कार्टर बाद में लिखते हैं कि नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, व्हाट वाज टू बी डन। अब इन रेजिंस को सॉफ्ट करने के लिए कार्टर ने उस पार्ट ऑफ इजिप्ट यानी कि साउथ इजिप्ट के सन का यूज किया, जो कि बहुत ही हॉट होता है। उसने मम्मी को बाहर रख दिया 149 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। फिर काफी एफर्ट्स के बाद जब कुछ नहीं हुआ तो कार्टर लिखते हैं, द कंसोलिडेट मटेरियल हैड टू बी चीजल्ड अवे बीनीथ द लिम्स एंड द ट्रंक बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स। इस केस में कार्टर के पास ज्यादा चॉइस नहीं थी। अगर वो उस मम्मी को कट नहीं करता तो थीव्स सारा गोल्ड चुरा करके ले जाते। टट के टाइम पे जो रॉयल फैमिलीज होती थी वो बहुत वेल्दी होती थी और वो सोचती थी कि हम अपने साथ अपने सारे रिचेस डेथ के बाद ले जा सकते हैं। टट को भी बहुत सी प्रेशियस चीजों के साथ, जैसे ग्लिटरिंग गोल्ड नेकलेस, ब्रेसलेट्स, कॉलर्स, यहाँ तक कि टोज और फिंगर्स के लिए भी रिंग्स के साथ बरी किया गया, और खास करके उनका जो कॉफिन था और मास्क था ये सब प्योर गोल्ड से बने थे। कार्टर के साथियों ने उस मम्मी को कॉफिन से अलग करने के लिए पहले उसका हेड अलग किया और फिर हर पॉसिबल जॉइंट को, और फिर उन सबको रीअसेंबल कर दिया एक वुडन बॉक्स पे सैंड में। आने वाले डिकेड्स के साथ आर्कियोलॉजी बहुत ज्यादा चेंज हुई। अब उन ट्रेजर्स से ज्यादा फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ और मिस्ट्रीज ऑफ डेथ पे ध्यान दिया जाता है। अब आर्कियोलॉजी सोफिस्टिकेटेड टूल्स और मेडिकल टेक्नोलॉजी का यूज करती है। एक एनाटॉमी के प्रोफेसर ने लगभग 40 इयर्स के बाद टट की बॉडी का एक्सरे कर एक बहुत ही अमेजिंग चीज बताई कि उसके रिब्स और ब्रेस्ट बोन मिसिंग थे। आजकल डायग्नोस्ड इमेजिंग कंप्यूटिंग टोमोलॉजी यानी कि सीटी से हो सकती है। अब ऑथर कहते हैं कि एक सीटी एक एक्सरे से ज्यादा क्या ही बता सकता है? क्या ये उन दो मेन क्वेश्चंस का जवाब दे सकता है? हाउ डिड ही डाई एंड हाउ ओल्ड ही वाज व्हेन ही डाइड? किंग टट का डिमाइस एक बहुत ही बड़ा इवेंट था, यहां तक कि रॉयल स्टैंडर्ड से भी, क्योंकि वो लास्ट डिसेंडेंट था अपनी डायनेस्टी का। फिर भी उसकी आफ्टर लाइफ और डेथ की मिस्ट्रीज अभी भी हैं। एमेनहोटेप 3 टट के फादर या ग्रैंडफादर एक बहुत ही पावरफुल फेरो थे, जिन्होंने 4 डिकेड्स तक 18th डायनेस्टी की गोल्डन एज को रूल किया। उनके बेटे एमेनहोटेप 4 ने उन्हें सक्सीड किया और वो इजिप्ट की हिस्ट्री का एक बहुत ही स्ट्रेंज पीरियड था। न्यू फेरो ने एटन की वर्शिप यानी कि द सन डिस्क की वर्शिप प्रमोट की और अपना नाम भी एकनाटन में चेंज कर लिया। उन्होंने रिलीजियस कैपिटल को भी थीब्स से एकनाटन पे शिफ्ट कर दिया, जो अब अमरना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद उन्होंने सबको शॉक कर दिया एमुन को अटैक करके, जो कि एक मेजर गॉड थे उस टाइम के। उन्होंने उनकी इमेज स्मैश कर दी और टेंपल्स को तोड़ दिया। एकनाटन की डेथ के बाद एक मिस्टीरियस रूलर स्मेनखारा ने रूल किया ब्रीफ टाइम के लिए उस डायनेस्टी को। उसके बाद थ्रोन ली टट एकनाटन ने, जो कि टट के नाम से जाने जाते थे, और अपना नाम चेंज कर लिया टट एनखमुन यानी कि लिविंग इमेज ऑफ अमन। उन्होंने लगभग 9 इयर्स तक रूल किया और फिर मिस्टीरियसली उनकी डेथ हो गई। टट इजिप्ट की बहुत सी मम्मीज में से एक हैं, और कितनी मम्मीज हैं इजिप्ट में ये कोई नहीं जानता। इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट जो लेट 2003 में स्टार्ट हुआ, उसने अब तक ऑथर कहते हैं 600 मम्मीज फाइंड कर ली हैं। टट, जो कि वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज थे जो सीटी स्कैन हुए, अपने कंट्रीमैन से आगे ही थे लाइफ में भी और डेथ में भी। टट की बॉडी को हेड टू टो सीटी स्कैन मशीन में स्कैन किया गया। स्कैन की नाइट पे जो वर्कर्स थे
वो टट की बॉडी को पाल बियरर्स की तरह पहले एक रैंप चढ़कर, फिर एक स्टेयर्स की फ्लीट चढ़कर और फिर हाइड्रोलिक लिफ्ट से वैन तक लेके गए जहां पर स्कैनर था। अब एक कूलर में सैंड होने की वजह से वो जो स्कैनर था वो चल नहीं रहा था, तो दो वर्कर्स पास ही ऑफिस से एक नया फैन लेके आए। एक वर्कर ने नर्वस होके जोक किया, द कर्स ऑफ द फैरो। जो सब्स्टिट्यूट फैन था वो इवेंचुअली चल गया। उसके बाद ये देखा गया कि कोई भी चीज़ मिसिंग तो नहीं है और फिर वर्कमैन से टट की बॉडी को वापस वहीं रखवा दिया गया जहां इतने सालों पहले उसका फ्यूनरल हुआ था। ट्रेलर में जहां पर स्कैन हुआ था, एक टेक्नीशियन ने कंप्यूटर स्क्रीन पे टट के हेड की, नेक वर्टिब्रे की, रिब्स की, स्कल की डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स से इमेजेस दिखाई। जाही हवास ने स्माइल करते हुए कहा कि चलो कुछ भी बहुत ज़्यादा बुरा नहीं हुआ, वो पिछली पूरी रात नहीं सोए पर वो आज रात सोएंगे। अब जब वो लोग वहां से जा रहे थे तो विंड एकदम स्टॉप हो गई। जो विंटर एयर थी वो खुद डेथ की तरह एकदम स्टिल थी उस द वैली ऑफ द डिपार्टेड में। और वहीं टट की टूम के एंट्रेंस के जस्ट ऊपर ओरायन था, एक कॉन्स्टेलेशन जिसे एंशियंट इजिप्शियंस सोल ऑफ ओरायन बोलते थे, द गॉड ऑफ आफ्टरलाइफ। वो उस बॉय किंग को देख रहा था। और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग सच अ ब्यूटीफुल एंड पेशेंट ऑडियंस। और अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल और इसी तरीके की वीडियोज आने वाले चैप्टर्स की मैं लाता रहूंगा। थैंक यू।